अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नमस्कार, मैं हूं अंजलि चौबे और पब्लिक बोलती है मैं आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर करोड़ों निगाहें टिकी हुई है। ऐतिहासिक फैसला कुछ ही दिनों के भीतर आने वाला है। आज हम सीधे पब्लिक से जानेंगे कि पब्लिक क्या सोचती है अयोध्या विवाद पर। एक दो दिन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है अयोध्या विवाद पर। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से फैसला क्या आएगा और उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? देखिए मैम, फैसले के रिगार्डिंग जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगी, राम मंदिर हो चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के पक्ष में जाए या फिर मुस्लिम भाइयों के पक्ष में जाए, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबको उसके निर्णय का मतलब कि पालन करना चाहिए जो भी डिसीजन लेता है कोर्ट। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है या फिर सीएम साहब ने भी बोला है कि सबको मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फॉलो करना चाहिए। लेकिन बिंग ए पर्सनल ओपिनियन आप जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर पहले से भी राम जन्मभूमि के रिगार्डिंग बहुत सारे साबूत मिले हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग सारे फैसले हिंदू पक्ष में होने चाहिए। मान लीजिए कि अगर फैसला एक कम्युनिटी के विरोध में जाता है तो इसका क्या रिएक्शन हो सकता है? हाँ, तो यहाँ पर फिर मेरे ख्याल से ये होगा कि वहाँ पर भी एक राइट्स होने की संभावना बन सकती है। एक तरीके से कट्टरपंथी वाले एक तरीके से डिसीजन है, लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये आपका कश्मीर में भी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सेटल किया है, ठीक है, कर्फ्यू माहौल बना के वो इस तरीके से वो भी यहाँ भी हैंडल कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करे कि मंदिर मस्जिद छोड़कर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल बना दे कि ये विवाद ही खत्म हो जाए, तो नहीं, इसमें तो मैं एग्री नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जहाँ जहाँ भी बहुत सारे मदरसे बने हुए हैं उसको आप पहले हॉस्पिटल में कन्वर्ट करिए या फिर आप स्कूल में कन्वर्ट करिए, न कि मस्जिद या मंदिर में कन्वर्ट करिए। राम मंदिर मस्जिद सबसे बड़ा राजनीति का मुद्दा रहा है, क्या लगता है कि ये फैसला आने के बाद वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं, देखिए हाँ, वोट बैंक की राजनीति मैं मानता हूँ कि उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बंदे जो हैं या फिर जो पब्लिक है वो उनके लिए आपने जो आपके पीएम साहब हैं सीएम साहब उनके लिए एक वोट बैंक का माहौल बन जाएगा। थोड़ा सा 10% या 20% ही क्यों ना हो, वोट बैंक की इंक्रीज 100% होगी। देश में तो मंदिर मस्जिद बहुत पड़े हैं और अपने देश में मंदिर मस्जिद की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, और उसकी व्यवस्था के लिए कंपनी बनाइए, अस्पताल बनाइए। अयोध्या में मैं चाहता हूँ ना मंदिर बने ना मस्जिद बने, वहाँ बड़ा बड़ा कंपनी बने, अस्पताल बने, ताकि लोगों को रोजी रोजगार मिले और सभी जात के लोग वहाँ नौकरी करेंगे। कोई दंगा नहीं होगा, कोई फसाद ना होगा, सारा मुसीबत खत्म हो जाएगा। मेरे नज़र में जो भी फैसला आएगा सामाजिक सौहार्द को देखते हुए आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पे मेरे नज़र से ऐसा कोई डिसीजन ही नहीं आएगा जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे कोई आक्षेप लगा सके, आरोप लगा सके कि उन्होंने गलत डिसीजन दिया है, तो फिर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने वाली बात ही नहीं है। दोनों कम्युनिटी ने मिल करके शपथ भी लिया है और ये वादा किया है कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा उस पर मैं विवाद नहीं करूँगा। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ही नहीं हमारे देश में। किसने कहा कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है? कोई ऐसा मुद्दा बताइए जिसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आपको नज़र आया हो। कहाँ है? नहीं, कहीं नहीं, हमें तो नज़र नहीं आता। आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तो मेरे नज़र में इंडिया में हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। बहुत अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि ये मुद्दा बहुत पहले से चल रहा है और अभी आ जाता है तो फिर तो अच्छा हो जाएगा सभी के लिए, पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा। इंडिया उतना एबल है कि कोई भी विरोध को दबा सकता है और सुप्रीम कोर्ट तो न्यायाधीश है, वो पूरा जो आएगा तो सबको मानना ही पड़ेगा। वो हिंदू हो या मुसलमान, अगर वहाँ पे अगर मंदिर या मस्जिद बन रहा है तो किसी का वो आस्था का विषय है। अगर वहाँ पे अपन हॉस्पिटल बना देते या फिर कुछ और बना देते तो वो अच्छा चीज़ नहीं है।
देखिए सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो सबके सबके हिसाब से लेगा, सबके जो बराबर होगा वही करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ निकाल आता है, जो कुछ रिजल्ट आता है, उसका कुछ हमारे सामाजिक जीवन पे कुछ परिणाम नहीं होना चाहिए। सब ने अंडरस्टैंडिंग में वो निर्णय लेना चाहिए और उसका कुछ मतलब गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर किसी एक कम्युनिटी के अपोजिट में भी अगर वो आता है तो वो कम्युनिटी में भी कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग करके वो वाद विवाद नहीं करना चाहिए, सब में शांति में रहना चाहिए। देखिए बढ़िया है जो भगवान है वो हमारे काम में दिखते हैं, अगर वो कुछ अच्छा वहाँ पे हो सकता है तो बढ़िया है, लेकिन एक और भी सोल्यूशन वहाँ पे हो सकता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों लगाए जाए। भगवान तो एक ही होता है, सिर्फ उसके मतलब दर्शन कुछ अलग अलग होते हैं, तो मस्जिद और मंदिर दोनों वहाँ पे लगाए जाए, मतलब दोनों कम्युनिटी के लोग अच्छे से पैर में रह सकते हैं। वैसे तो मुद्दा ये हमारे अपने आप में था, ये राजनीति लोगों ने उसको बहुत बढ़ाया है, अगर वो रिजल्ट आ जाता है सब उसका अगर ये हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में उसका कुछ ज़्यादा इश्यू होगा। अगर फैसला सबके हिसाब से बराबर आता है तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम के जो कुछ झगड़ा चल रहा है वो आगे बढ़ेगा, और वैसे भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है पर्सनली एज ए वुमन में किसी नहीं है, जो राजनीति है वही इसको बढ़ाते हैं। बात करें पब्लिक की तो पब्लिक का रुझान दोनों तरफ है, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। दो तीन दिन बाद आने वाले फैसले में देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस पक्ष के हक में फैसला देता है। TV1 इंडिया, नवी मुंबई।